मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। ये तकिया कलाम पे मैंने लिखी कविता। तकिया कलाम आप समझते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, एक सेकंड ब्रेन मेरे को वोकेबुलरी में से शब्द सप्लाई कर रहा है। उस शब्द सप्लाई में जो डिले होता है उसको फुलफिल करने के लिए आदमी बीच में तकिया कलाम फंसाता है। जैसे मैंने कही, कहने लगे, कहने का मतलब, बोले क्या, नहीं आई समझ में। अब आपने कहा नहीं आई तो फिर समझाएगा। ये होते हैं तकिया कलाम। बोले, बोले शंकर केजरीवाल जी की बंबई से चिट्ठी आई है, चिट्ठी में लिखा है बोले। मैंने कहा जब लिखा है तो बोले कैसे। अगला जन्म। तो कविता का शीर्षक है कभी नहीं। मैं इंदौर से औरंगाबाद बस से जा रहा था, मेरे आगे वाली सीट पे एक 70 साल के बुजुर्ग बैठे थे और पड़ोस में एक 18 साल का लड़का। वो लड़का कुछ भी बोलता तो 70 साल के बुजुर्ग एक की बात बोलते, नहीं कभी नहीं। मैंने कहा यार 178 बार बोले वो पूरी रात में। मैंने कहा ये सोने तो देंगे नहीं, अपन काउंट करो कि कितनी बार बोल रहे हैं। भारतीय आदमी अपने तरीके से काम करता। मैंने आपको बताया हीथरो में वहाँ मशीनें लगी हुई है जूते पॉलिश करने की, आपने सुना होगा। वो जूते पॉलिश करने की मशीनें हैं, उसमें क्या है, एक पैर डालो पॉलिश हो जाती है, दूसरा पैर डालो पॉलिश हो जाती है। दूसरा पैर पे पॉलिश होने के बाद वो पैर पकड़ लेती है, फिर उसमें 50 सेंट्स डालो, फिर वो पैर छोड़ती है। अपना एक भारतीय पहुँचा गोपीनाथ जी, उसने एक पैर एक मशीन में डाला पॉलिश हो गई, दूसरा पैर दूसरी मशीन में डाला फोकट में पॉलिश हो गई। पर मरण तो उस आदमी का हुआ जो पीछे से आया अंग्रेज। उसने जैसे ही पहला पैर फंसाया मशीन ने पैर पकड़ लिया, क्योंकि उसकी काउंटिंग में तो 2 हो गए थे। ये भारतीय आदमी होता है। वो पूरे बुजुर्ग 178 बार बोले, वो एक ही बात बोले, नहीं कभी नहीं। मैंने इस पे एक कविता लिखी, छोटी सी, सुन लीजिएगा। उसके बाद सिंघानिया जी ने जिस कविता के लिए आदेश दिया वो सुना दूंगा। कविता का शीर्षक है कभी नहीं। जब मैं कहूँ कभी नहीं, आप ताली बजा दीजिएगा ताकि मेरा भ्रम बना रहे कि कविता आपकी समझ में आ रही है। और एक एक पंक्ति में शिक्षा है। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैनी से आया हूँ, इसमें शिक्षा वाली भी बात है, आपको आनंद आएगा, पर बहुत गूढ़ रहस्य है। साले की बुराई, शक्की को दवाई, उधार प्रेमी को अपने दोस्त से मिलवाना, पत्नी को अपनी असली इनकम बताना, कुत्ते के नवजात बच्चे को सहलाना, और पहलवान की बहन से इश्क लड़ाना, नहीं कभी नहीं। यार ये ऊपर वाले नहीं बजा रहे हैं, मैं नहीं जानता, मैं अगले जन्म में तो आपके पीछे पीछे आ नहीं पाऊंगा। सुनिए, नाई से उधारी में दाढ़ी, या फिर सेकंड हैंड गाड़ी, नॉनवेज होटल में वेजिटेरियन खाना, नए नए कवि को कविता सुनाना, फंसे हुए आदमी को वकील बताना, और बिना पानी देखे टॉयलेट में जाना, नहीं कभी नहीं। 2 नंबर की कमाई रिश्तेदारों के नाम पर रखना, सुंदर जवान नौकरानी को काम पर रखना, कम भीड़ भाड़ वाली होटल में। अभी मेरे यहाँ लफड़ा हो गया पिछली होली पे। मैंने होली का रंग लगाने के लिए जैसे ही मिसेस को पीछे से पकड़ के गाल पे रंग लगाया तो उसने छुड़ाया खुद को, फिर बोलने लगी, भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप। मैंने कहा भाई साहब, और मैंने जैसे ही नज़र डाली उस पर तो वो निकली मेरी काम वाली। वो मेरी मिसेज ने जो अपनी उतरी हुई साड़ी थी वो नौकरानी को दे दी। तो जितनी महिलाएं बैठी हैं उनसे आग्रह है कि कृपया अपनी नौकरानी को अपनी साड़ियां उतरी हुई पुरानी न दें, से दुर्घटना की संभावना है। मेरी कविता में आपको बीच बीच में शिक्षा भी मिलेगी। अच्छा, एक हेल्थ हाइट की यदि हो काम वाली तो बड़ा लफड़ा पड़ जाता है। तो 2 नंबर की कमाई रिश्तेदारों के नाम पर रखना, सुंदर जवान नौकरानी को काम पर रखना, कम भीड़ भाड़ वाले होटल में खाना, पत्नी से सुंदर पड़ोसन बताना, अधिकारी को सच्ची बात उसके मुंह पर कहना, और पुलिस वाले के मकान में किराए से रहना, नहीं कभी नहीं। बिना हाथ दिए गाड़ी को मोड़ना, यात्रा में पड़ोसी के भरोसे अटैची छोड़ना, नए ब्यूटी पार्लर पे आईब्रो बनवाना। अभी मेरी मिसेज होली पे, दिवाली पे 5 रुपए में कहीं से आईब्रो बनवा के आ गई। जैसे ही मैंने उसको देखा बोले, कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा बहन जी आपको कहीं देखा है,
सस्ते के चक्कर में आदमी गलत काम भी कर लेता है। पत्नी नए ब्यूटी पार्लर पे आईब्रो बनवाना, हकले से फिल्म की स्टोरी सुनवाना, कभी सुनी आपने? मैंने सुनी अभी एक से मंगल पांडे की 7 घंटे में। हकलों का काम बड़ा विचित्र है। वो एक हवाई जहाज उड़ रहा था, सिंगापुर जा रहा था गोपीनाथ जी, नहीं बताना पड़ेगा। अब उसमें कोई गड़बड़ी आ गई, एक इंजन खराब हो गया। जैसे इंजन खराब हुआ तो वो एयर होस्टेस ने घोषणा की, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हमारा वायुयान संकटकालीन दौर से गुजर रहा है। इस वक्त एयर पॉकेट में आ जाने के कारण हमारा एक इंजन खराब हो गया। सभी पायलट्स सभी यात्रियों को पैराशूट्स बांट दिए गए हैं, अपने अपने कंधे पर बांध लें और 10 तक गिनती गिने, खिड़की से कूद जाएं, बटन को दबाएं, पैराशूट खुल जाएगा, आपका जीवन बच जाएगा। एक ऐसे ही पहुंच गया हकला, बोले मैडम, बोले भाई साहब आप 3 तक ही गिनना। अगला जन्म। अच्छा वो हरिद्वार गया तो हर की पेड़ी पे वो पिताजी के लिए छड़ी खरीदने गया, बोले ये छड़ी है क्या? दुकानदार बोला है पर इतनी लंबी नहीं है। अच्छा स्थिति बड़ी विचित्र होती है। वो एक हकले की शादी हुई तो सुहागरात को पत्नी से बोला मैं तो उठा दे यार, नहीं उठाया उसने, बोले हाजी बोल औरत है यार, यहाँ तो तू है मैं हूं। पलट के वो बोली नहीं मेरे को शरम आती है। अरे तू भी हकली और मैं भी हकला, अपन दोनों भाई बहन। हकले से फिल्म की स्टोरी सुनवाना, साली पर खर्चा उसके बाद रोना और चप्पल उतार के बस में सोना, नहीं कभी नहीं। चिपकू मेहमान को बढ़िया खाना, चिपकू मेहमान कभी कभी बहुत परेशान करते होंगे आपको, उसका भी एक फार्मूला ले जाइए। घर के पुराने जितने फोटो के एल्बम पड़े हों सब निकाल के लाइए और उसको बताइए मेहमान को, ये मेरे औरंगाबाद वाली साली के जीजा जी के भाई का लड़का है, वायलिन बहुत अच्छी बजाता है, 5-6 फोटो के बाद नहीं उठ के भाग जाए तो मेरा नाम बदल देना आप। चिपकू मेहमान को बढ़िया खाना, टीचर के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना, कम उम्र महिला को आंटी बुलाना, चोरी के डर से पड़ोसी सुलाना, सामूहिक भोज की पंक्ति में आखिरी में बैठना और पत्नी से उसके मायके में ऐठना, नहीं कभी नहीं। पंडित ओम व्यास के इन सूत्रों को अपनाओगे तो सुख पाओगे, वरना पछताओगे, वरना पछताओगे, वरना पछताओगे।